Welcome everyone, I'm Kunal Saluja, KKR Insider, and what a start of Tata IPL 2022. CSK versus Kolkata Knight Riders. पहले bowling की Kolkata Knight Riders ने CSK ने एक 131 का score बनाया, and I have with me Aman Khan, the player, the all-rounder from Kolkata Knight Riders. Welcome. And Aman, you know, opening बहुत अच्छी हुई थी हम लोगों की, हमें power play में दो wickets मिले. What do you think about the start जो KKR को मिली bowling? It's a dream start for KKR because, you know, a couple of wickets in the power play, and the way Umesh Bhai bowled, I think it was really lovely. He was bowling quick and he was bowling on the target. जब उमेश भाई ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की, शिवम मावी भी स्टार्टिंग में बहुत अच्छे चल रहे थे, भले उनको विकेट नहीं मिली, बट हिज बॉलिंग वाज ऑन पॉइंट. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? यस, बॉलिंग वाज ऑन पॉइंट, स्पेशली दैट थर्ड ओवर दैट ही बॉल्ड ऑफ हिज. ही मेड अ रियली गुड कमबैक आफ्टर गेटिंग हिट फॉर अ कपल ऑफ बाउंड्रीज इन द सेकंड ओवर, एंड आई थिंक दैट वाज हिज कमबैक इन हिज थर्ड ओवर वेयर ही गेव मेबी 3 रन्स आई थिंक. सो ही आल्सो, दैट वाज अ गुड पार्टनरशिप बॉलिंग. चलिए, उमेश भाई और शिवम मावी की बात हो गई, लेकिन हमारे जो स्पिनर्स हैं वरुण एंड यू नो सुनील, इनकी जोड़ी ने भी बहुत कमाल किया, बहुत ही बेहतरीन कॉम्बो नजर आया हमें इनका. या ऑब्वियसली, लाइक व्हेन आई आल्सो प्लेड देम इन द नेट, इट्स रियली डिफिकल्ट टू पिक देम, यू नो, एंड स्पेशली विद द बॉल ग्रिपिंग अ लिटल, आई फील दैट यू नो इट्स डिफिकल्ट टू, एंड इट वाज अ गुड थिंग दैट द कैप्टन गेव देम बॉलिंग बिफोर द ड्यू केम इन, सो यू नो द बॉल वाज ग्रिपिंग वेल, दे कुड ग्रिप द बॉल वेल इन देयर हैंड्स. Well, talking about the due, 12वें 13वें ओवर के आसपास बॉलर्स ने एक दूसरे से यू नो नैपकिन्स मांगना शुरू किया कि बिकॉज ड्यू हो रही है, तो और उसके बाद तो खैर ड्यू कंटिन्यू रही थी. व्हाट डू यू थिंक, ये हमारे लिए एक एडवांटेज साबित होगा जब हम बैटिंग करेंगे? ऑब्वियसली इट्स एन एडवांटेज, एज यू सी इन द फाइनल पार्ट ऑफ आवर बॉलिंग इनिंग्स एज वेल, इट वाज डिफिकल्ट फॉर द बॉलर्स टू बॉल यॉर्कर्स बिकॉज द बॉल वाज स्लिपिंग आउट ऑफ देयर हैंड्स बिकॉज ऑफ द ड्यू. एंड as far as Wankhede's wicket, if we see the wicket, it always gets better in the second innings. Yeah, you have grown up playing here, right? The Mumbai boy. Yeah. So what do you think? 131, jo CSK ne score kiya. So 132, it's an easy target ya fir ye yahan pe tough hone wala? It's an easy target. I feel only if, you know, we play normal cricketing shots, if we don't try to do anything extra and, you know, just try and place the innings well, play normal cricketing shots, don't try to do anything extraordinary, I think we'll chase it. But we have some extraordinary players, and especially the Mumbai boys, for example, Ajinkya Rahane, Shreyas Iyer, wo log bhi yahan par khele hain bahut. So what do you think, unke liye bahut easy hone wala hai, challenging hone wala hai, kaisa hone wala hai? Because it's against CSK. Ajinkya Rahane, like, he's played all his cricket over here, and, you know, he's a good boundary hitter in the power play, he times the ball really well, and he's got good cricketing shots as well, so I feel it should be easy for him to play. With the dew coming in, the outfield will also get a little faster. Yeah. So yeah, that's it. Shreyas is obviously, he's got the power to clear boundaries, so it'll be easy for him also. But वो कह रहे हैं ना, सब जगह एक खबर छपी हुई है that KKR का 2021 की find थे वेंकटेश अय्यर, and वेंकटेश विद हिज लास्ट ईयर्स परफॉर्मेंस एंड अभी तक जो प्रैक्टिस मैचेस में आपने जरूर उन्हें देखा होगा, वेंकटेश कितना बड़ा एडवांटेज साबित हो सकते हैं KKR के लिए आज? ही इज ऑब्वियसली अ वेरी बिग एडवांटेज बिकॉज फर्स्टली यू कैन ओपन द इनिंग्स विद द बैट, एंड यू नो यू कैन बोल कपल ऑफ ओवर्स और मे बी 3 ओवर्स व्हेन समवन इज नॉट बोलिंग वेल, सो ही एंड ही फील्स रियली वेल एज वेल, एंड ही इज अ गुड टीम मैन एज फार एज व्हाट आई हैव सीन टिल नाउ, सो आई फील दैट ही इज अ वेरी बिग पैकेज फॉर मी. ओके, Russell's last year match against CSK was fabulous. He was on fire. But लगता है आज Russell को आने की जरूरत भी पड़ेगी फील्ड पे? Like I said earlier, if you play normal cricketing shots and don't take that much risk, I feel that Russell won't get his batting today. But yeah, if he has to, then maybe I feel he will finish. Okay, I just want one last prediction. What according to you, 132 जो हमें target बनाना है, ये हम कितने overs में achieve कर सकते? Maybe around the 17th or 18th over. I like that confidence. Scoreboard aur jeet bo rahe. That's all from Glance Nightlife. I'm Kunal Saluja with Aman Khan. Thank you so much, people, for joining. And yes, keep supporting us because it's our batting time.